हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास इलेवंथ का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट इंडिया, जिसमें आप पढ़ोगे कि इंडिया में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही, क्या क्या उसके अलग अलग फेजेस रहे और किस तरह से ये डेवलप हुआ और आज के इस सिनेरियो तक पहुंचा। और जिसका सेकंड पार्ट है, इसमें आप पढ़ोगे कि बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या डेफिनेशंस होती हैं, इसके क्या कंसेप्ट क्या हैं, क्या इसका नेचर है, पर्पस क्या है, एट्सेट्रा। इंडिया में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही, जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी पूरी लाइफ में बिजनेस वर्ड को ना जाने कितनी बार सुन रखा होगा और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स आगे चल के अपना खुद का एक बिजनेस भी करना चाहते होंगे और शायद उनके फैमिली में से कोई ना कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ भी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछें कि बिजनेस क्या होता है तो शायद आपका आंसर होगा कि अपना खुद का कोई ऐसा काम करना जिससे बहुत सारा पैसा मिले, यानी जिससे हम इनकम अर्न कर सकें। क्या एक्चुअल में बिजनेस यही होता है? नो, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है। बिजनेस का एक्चुअल सेंस में, एक स्पेसिफिक सेंस में मतलब होता है कि आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो रेगुलर बेसिस पर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नेचर है बिजनेस का, ये है कि बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटी करते हो वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करी, उससे पैसा अर्न किया और फिर उसको बंद कर दिया तो क्या वो बिजनेस होगा? नहीं, वो बिजनेस नहीं होगा। वो बिजनेस होने के लिए कोई भी अगर आप काम करते हो तो वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए और वो जो आप काम करते हो वो रिलेटेड होना चाहिए परचेजिंग से। आप किसी भी सामान को परचेस करके सेल कर देते हो या फिर प्रोडक्शन से, यानी उसको प्रोड्यूस कर बनाकर उसको मार्केट में बेच देते हो, मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच देते हो, या फिर आप खुद का अपना एक ऑफिस या फिर क्लिनिक खोल के अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हो। जैसे आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या फिर इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या फिर वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ये सारी सर्विसेज भी बिजनेस में आएंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। एक्चुअली कॉमर्स सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं जो जरूरी होती हैं बिजनेस को करने के लिए। यानी कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो उस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर आप चीनी का व्यापार कर रहे हो, आप चीनी बना रहे हो, आपकी शुगर मिल्स हैं, तो आपको उस चीनी को स्टोर करना पड़ेगा, आपको वेयर हाउसेस चाहिए, गोदाम चाहिए, तो वो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। आप कैश अपने पास ज़्यादा नहीं रख सकते तो आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी चाहिए। आपको चीनी को बेचना है मार्केट में तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। चीनी का नुकसान हो जाए, अगर चीनी किसी तरीके से चोरी हो जाती है या फिर वो ख़राब हो जाती है तो उससे आपको नुकसान ना हो, तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको चाहिए। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ये जितनी भी हेल्पिंग एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के लिए, ये सब किस में आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो रिलेटेड होती हैं बिजनेस से। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेड क्या है। ट्रेड का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है। इंडिया की पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए बिजनेस की कुछ, इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले समझोगे कि इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम क्या रहा, जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ पर थे और उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ थी, इंडिया के किस किस कोने में वो बसे हुए थे, मर्चेंट कॉरपोरेशंस क्या थे और उनका क्या काम था, मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या क्या थे इंडिया में पुराने टाइम में, और इंडिया किन किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करती थी यानी बाहर बेचती थी और किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करती थी यानी दूसरे देशों से खरीदती थी। इसके बाद फिर आप डिटेल में पढ़ोगे कि जो इंडिया की जो कंडीशन थी वो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1991 तक की कैसे रही और फिर इंडिया का जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और फाइनली फिर हम आज की जो स्टेज है वो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये सब आप इस वीडियो में इजीली समझोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पुराने टाइम में जो रूट थे, जो बिजनेस के जो व्यापार करने के जो रास्ते थे वो क्या थे, उसको बेसिकली सिल्क रूट से जाना जाता है। ये इंडिया को पूरी दुनिया के कई सारे देशों से जोड़ता था, जैसे कि चाइना, पर्शिया, अरेबिया, इजिप्ट, यूरोप, सोमालिया, इन सब देशों से जोड़ता था। इसके अलावा ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये है मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी
पानी का रास्ता, जो कि अलग अलग देशों से जुड़ी हुई थी। तो इंडिया की जो ज्योग्राफिक कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में भी आप कई सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर आप साउथ में जाते हो तो ये वाटर रूट के थ्रू भी कई सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो इंडिया का जो बिजनेस था, जो इंडिया का जो व्यापार था, वो काफ़ी अच्छा था। अब हम देख लेते हैं इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम कैसा था। देखिए, इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी स्वदेशी जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसा था। अब पुराने टाइम में बैंक तो होते नहीं थे। आपने कई सारी हिंदी मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ पर हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब किसी भी किसान को या किसी और पर्सन को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो किसी मुनीम के पास जाता था और वहाँ पर वो अपनी ज्वेलरी गिरवी रख कर जो भी उसको ज़रूरत का पैसा था वो ले लेता था। तो वही सारे जो अलग अलग जो जितने भी मुनीम वगैरह थे तो यही सब मिलकर कहलाते थे इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम। और अगर हम उससे और पहले की बात करें तो देखिए, उससे और पहले क्या होता था कि जो व्यापार है उसमें करेंसी नहीं होती थी, यानी पैसा नहीं था, तब वो वहाँ पर यूज़ होता था बार्टर सिस्टम। तो ये जो बार्टर सिस्टम होता था वहाँ पर क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, यानी अगर कोई भी सामान आप खरीद रहे हो तो बदले में आप पैसा नहीं देते थे, आप बदले में आप कोई और दूसरा सामान देते थे, क्योंकि तब करेंसी चलती ही नहीं थी। जैसे कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, आपको आलू की ज़रूरत है, तो फिर आपके पास जो भी होता था, चाहे फिर आपके पास वो गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, तो आप वो लेकर जाते थे, आप उस मार्केट में अपने गेहूं सेल करते थे और बदले में उससे कोई चीज़ लेते थे। अब इसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती थी, तो धीरे धीरे फिर राजा महाराजाएं आए, उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए और फिर जो बिजनेस था वो और इजी हो गया, यानी अब ट्रेडिंग करना और किसी भी तरह का बिजनेस करना और आसान हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों को ज़रूरत पड़ने लगी उधार लेने की, यानी लोन की, और एक ऐसे सिस्टम की कि वो क्रेडिट पर कोई सामान खरीद सके या फिर बेच सके। तो ऐसे में आया हुंडी या फिर चिट्ठी। हुंडी एक तरह का डॉक्यूमेंट होता था जिस पर प्रॉमिस किया जाता था एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए। हुंडी के बेसिस पर जो क्रेडिट का लेन देन है वो बहुत ही इजी हो गया था। और हुंडी भी कई तरह की आई थी, बहुत सारे इनके अलग अलग टाइप्स होते थे। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देख सकते हो। तो इस तरह की ये हुंडी या फिर चिट्ठी होती थी। तो इस तरह से करेंसी आई, करेंसी आने के बाद हुंडी चिट्ठी आने लगी, फिर उसके बाद और जो बिजनेस है वो आसान होने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जो लोग थे अपना जो उनके पास जो भी कीमती सामान होता था वो बैंकर्स जो सेठ होते थे, मुनीम होते थे, उनके पास जमा कराने लगे और उनसे जो पैसा थे वो लेने लगे या फिर हुंडी ले रहे थे। फिर वो उनसे अपना बाइंग और सेलिंग करते थे और जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता था तो वो उसको वापस देकर अपना सामान ले लेते थे। ये बिल्कुल उसी तरह से होता था जिस तरह से आज आपका बैंकिंग सिस्टम है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। इंटरमीडियरीज का मतलब है बिचौलिए, यानी ये एक्चुअल में कोई बिजनेस या ट्रेडिंग नहीं करते थे, बल्कि ये ट्रेडर्स की या फिर बिजनेसमैन की हेल्प करते थे अलग अलग एस्पेक्ट्स रिलेटेड। वो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते थे, उनको अगर कोई रिस्क होता था तो वो उनके रिस्क को कम करते थे। और इसमें जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि क्या करते थे कि अगर किसी भी ट्रेडर को पैसे की जरूरत होती है तो वो उसको उधार देते थे, और अगर ट्रेडर्स के पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो वो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के पास या फिर हम कहीं सेठ के पास जमा करा देते थे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बिचौलिए के अंदर, और धीरे धीरे ये काफ़ी डेवलप होते गए, और डेवलप होते 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 आज हम इनको एक पूरा प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम और जो कॉमर्स के अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर देख लेते हैं। इसको हम ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के रूप में हम देखते हैं। पहले इनको एजेंट्स, ब्रोकर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता था। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का तो आपको पता ही है कि जो हमारी जो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरह से थी कि चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें चाहे फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, दोनों ही काफ़ी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी थी। जो नॉर्थ में लैंड ट्रांसपोर्ट की तरह से जो नॉर्थ के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आसानी से जुड़ा हुआ था, और साथ में साउथ में जो इसका जो वाटर सिस्टम है तो वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से ये पूरी दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ बड़े आराम से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से जो इंडिया का जो ट्रेड है वो पूरे वर्ल्ड की लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ था, और इसमें मेन कंट्रीज़ चाइना हो गई, इराक, ईरान हो गए या फिर यूरोप हो गए, इन सब के साथ काफ़ी अच्छा जो बिजनेस था वो था। उसके बाद आ जाता है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अलग अलग जगह पर
बिजनेस को हेड करते थे, ट्रेडिंग को हेड करते थे। जनरली आपने बनियेज वगैरह सुने होंगे, जिसके नाम आते ही आपको पता चलता है कि बनिये तो बने ही बिजनेस के लिए होते हैं। तो इस तरह के इंडिया के अलग अलग पार्ट में ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि बिजनेस को हेड करते थे, वो उस जगह से बिजनेस को कंट्रोल करते थे। इस तरह से आप नॉर्थ में जाते हो तो वहाँ पर पंजाबी मुल्तानी हो गए, वो बिजनेस को वहाँ पर संभालते थे। सिमिलरली गुजरात और राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भट्ट थे जो कि वहाँ पर ट्रेडिंग को संभालते थे। फिर आप महाराष्ट्र के जैसे स्टेट में जाओगे वहाँ पर महाजन्स हो गए। सदर्न पार्ट में चेतियार्स बिजनेस को संभालते थे। तो इस तरह से ये अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई थी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो पूर ओवरऑल ट्रेडिंग और बिजनेस को कंट्रोल करती थी। इसके बाद आता है मेजर ट्रेड सेंटर्स, यानी पूरे भारत में ऐसे कौन से स्टेट्स थे, ऐसे कौन से शहर थे जहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। उसमें से हैं इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, सांची, यानी इस तरह से आप अलग अलग सिटीज़ देख सकते हो जो कि पुराने टाइम में इंडिया में थे। ये आपको स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक बार रीड कीजिए और थोड़ा बहुत आप इसका हिंट अपने माइंड में रख सकते हो, यही आपके लिए काफ़ी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से आइटम्स थे जो कि मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते थे पुराने टाइम में, तो उसमें से काफ़ी सारे आते हैं। जो मेन थे वो तो स्पाइसेस ही थे, यानी पुराने टाइम में स्पाइसेस काफ़ी फेमस था इंडिया का। और जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा जब यहाँ पर इंडिया में आया था तो स्टार्टिंग में जो ट्रेड किया था वो पेपर का किया था, यानी काली मिर्च का किया था। इसके अलावा इंडिया का वीट, शुगर, इंडिगो, अफीम, ये सारी जो चीज़ें थी एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके अलावा जो मेजरली इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स थे उसमें आ जाता है चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स एंड लिनन, वाइट गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लेड एट्सेट्रा, जिनको हम दूसरे देशों से मंगवाते थे यानी इंपोर्ट करते थे। उसके बाद आ जाता है कि जो इंडिया की पोजिशन थी वो 1st सेंचुरी से लेकर 1991 तक की कैसी रही। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में इस तरह से देख सकते हैं कि 1st सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो कंडीशन थी इंडिया में बिजनेस और ट्रेड की, उसके हिसाब से जो इंडिया थी वो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो स्टेटस था नो वो नंबर 1 पर था। अभी के टाइम पर अमेरिका है लेकिन पुराने टाइम में इंडिया था, इसीलिए तो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उसके हिसाब से लगभग पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता था, जितने की इकोनॉमी होती थी, उसका जो 1/3 था, 1/3 से लेके 1/4 था वो भारत में ही होता था। यहाँ ये जो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर जो ये आप पिक्चर देख रहे हो ये मैंने ली है NCERT से। यहाँ पर अलग अलग फेजेस में जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की उसको शो किया गया है। तो अगर हम 1st सेंचुरी की बात करें तो 1st सेंचुरी की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर इंडिया लगभग 32% जो पोर्शन है वो ऑक्यूपाई करती थी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का। उसके बाद 1500 AD तक आते आते जो इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा कम हो गया और ये 1st से हटकर दूसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद आई 1600 AD, 1600 AD में जो इन्वेंशन था, आक्रमण थे विदेशियों के, वो काफ़ी बढ़ चुके थे और उनके पीछे रीज़न भी यही था क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, इंडिया में बहुत पैसा था तो उसको लूटने के लिए यहाँ पर लोग आते थे। तो इस तरह से जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो घटकर हो गई थी 24.40%। और फिर जब 1815 आया तो इसका जो पोर्शन हो गया 5 to 18%। और आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लगभग 1600 AD के बाद से आना स्टार्ट हो गई थी, उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। पहले वो व्यापार करने आती थी लेकिन जब उसने देखा कि इंडिया का बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर इसने यहाँ पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो ब्रिटिश का एम्पायर था उसने पूरा कंट्रोल इंडिया पर कर लिया। और इसीलिए ये जो 1815 तक आते आते जो इंडिया की इकोनॉमी है एकदम गिर चुकी थी, 5 से लगभग 10% हो गई। उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी बेकार रही लेकिन फाइनली जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है उसने धीरे धीरे रिवाइव करना स्टार्ट किया। 1952 को फर्स्ट पॉलिसी आई, धीरे धीरे इकोनॉमी अच्छी होती गई। तो इस तरह जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो कंडीशन थी वो इस तरह से रही। उसके बाद है इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, इसका मतलब ही यही है कि इंडिया ने किस तरह से अपने आप को दोबारा से री इंडस्ट्रियलाइज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1947 को हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली, उसके बाद 1952 में 1st 5-year प्लान इशू किया गया, यानी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए हर 5 साल बाद पॉलिसीज बनाती है जिससे 5-year हम प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो 1952 में फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान आया जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को। और जो भी बिजनेस था मेन फोकस रखा गया गवर्नमेंट के ऊपर, यानी जो भी मेन बिजनेस स्टार्ट करने थे वो गवर्नमेंट को ही स्टार्ट करने थे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो प्राइवेट बिजनेस अपना कर सकें, खुद का बिजनेस कर सकें। तो ज़्यादातर जो बिजनेस खोले गए थे वो गवर्नमेंट के लिए खोले गए थे, इसलिए बहुत सारा लाइसेंस लगाया गया, बहुत सारे कंट्रोल लगाए गए। जो सेंट्रल प्लानिंग है उसकी वजह से और लाइसेंस अधिक होने की वजह से, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेज़ गति से नहीं सुधर पाई, जिसका मेन रीज़न यही कहा जाता है कि जो इंडिया के पास कैपिटल की कमी थी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, गरीब थी, लोगों के पास पैसा नहीं था अपना खुद का बिजनेस करने का। तो इसीलिए 1991 में एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई गई, जिसके मेन जो फीचर्स थे वो थे LPG, L4 लिबरलाइजेशन, यानी जो लाइसेंस वगैरह हैं उनको कम करना, प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकारी कंपनीज थी उनको प्राइवेट कंपनीज़ में बदल देना, और ग्लोबलाइजेशन मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए उनको थोड़ा इजी बनाया गया, ताकि दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो आसानी से किया जा सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे बदलती रही, और आज के टाइम में अगर हम कहें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज से कुछ महीने पहले इंडिया 6ठे नंबर पर थी, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था इसने। और अभी 2014 से हम देखते हैं कि जो इंडिया का फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की इकोनॉमी को टॉप पर बनाए रखना, जिसमें से मेक इन इंडिया काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, डिजिटल इंडिया है, जिसमें डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो बिजनेस है उसको और आसानी से बनाया जा सके। तो इसी के साथ ही ये वीडियो होता है ख़त्म। यहाँ पर आपने देखा कि इंडिया की जो ट्रेडिंग, कॉमर्स और बिजनेस की हिस्ट्री है वो क्या रही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।